हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान उम्मीदवार की जगह धोखाधड़ी से दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करके फिजिकल टेस्ट दिलवाने की कोशिश करने के मामले में पंचकुला पुलिस की SIT टीम द्वारा एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पंचकुला पुलिस द्वारा अब इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले भी पंचकुला पुलिस द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब 4 नए और गिरफ्तारियां होने के बाद इनकी संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। पंचकुला पुलिस का दावा है कि जांच में और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पुलिस सिपाही पद के लिए फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे थे और उसी दौरान उम्मीदवार की जगह दूसरा शख्स टेस्ट देने पहुंच गया था, लेकिन जब फिंगरप्रिंट की बारी आई तो वह पकड़ा गया था, जिसके बाद सेक्टर 5 थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में छानबीन की और अब एक एक कर कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये हरियाणा पुलिस की जो भर्ती थी उसमें अपनी जगह दूसरे कैंडिडेट को भेजा था अपनी फोटो लगा के उस संबंध में। पहले 6 हो चुके थे, 4 कल करे, टोटल 10 हो चुके हैं। आज कोर्ट में 2 को तो जुडिशियल भेज दिया और 2 का रिमांड दिया। बहरहाल मामले में कुल 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं तो वहीं कई अन्य पुलिस के राडार पर हैं। ऐसे में आगे इस मामले में और कई गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट।